जा रहे हैं बस पकड़ने पुणे से, एंड हालत ख़राब हो गई है। इतना प्रेशर था ऑफिस का, पता नहीं कैसे निकले पर निकल गए। बस अभी काम करना पड़ेगा, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। यहाँ पे हम लोग चाय पीने रुके हैं, चाय नाश्ता वास्ता जो भी, एंड इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वड़ा पाव चल रही है, चाय वड़ा पाव, एंड रास्ता इतना सुंदर है, बॉम्बे बॉम्बे पुणे का जो एक्सप्रेस वे है। बाकी ब्लॉग्स में भी था, दिखाई था जब फोर्ट रतनगढ़ सिन्हागढ़ राजगढ़ इन सब में गया था, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। हेलो, सो या दिस इज़ जयश्री। तो हम अभी पहुंच गए हैं गोकर्णा में। सो बेसिकली वहां से बस जहां पे रोकी वहां से ऑटो लेना पड़ा, बहुत ही महंगा वाला ऑटो, और इतनी रात को वहां से एक और पैसेंजर भी था अपने साथ, तीन जन थे। सो वी केम, यप सुबह होने वाली है, एंड अभी थोड़ा वॕकिंग करना है अराउंड 200-300 meters आई थिंक, एंड देन विल बी रीचिंग एंड चेकिंग अर्ली इन आवर डॉर्म यहाँ पे। तो देखते हैं। यो, सो मैं पहुँच गया था तस्कर ट्राइब। ये है प्रॉपर्टी जो है, कैम्प्स एंड डॉर्म्स एंड रूम्स अवेलेबल है, एंड बहुत सारे दोस्त बनाए यहाँ पे, एंड अभी बेसिकली चेक इन नहीं हुआ है। सो कॉमन एरिया था जहाँ पे हम लोग बैठ के चिल कर सकते थे, एंड वहाँ पे था मैं, एंड अभी सुबह हो गया, सो आई एम हेडिंग टू द बीच। गाइज, सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, मतलब कुछ ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत वर्क प्रेशर था, एंड यहाँ पे कुछ खास मैं वीडियो कर नहीं पाया, बट बेसिकली जो कुडले बीच है आज हमने उसको एक्सप्लोर किया। वी वेंट टू द मार्केट, बट वील बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो एज वेल आई थिंक, सो मैं आपको दिखाऊँगा। एंड यहाँ पे बहुत अंधेरा है, लाइक मतलब generally in the road and everything it's too dark for anyone to just walk. Tomorrow my friends are coming, tomorrow is day 2, so my friends are coming from Hyderabad and I will be meeting them. They're going to stay here with us only. Kal subah subah hamara nikalne ka plan hai, so let's see kya hota hai. So day 2 shuru ho gayi hai aaj, and aaj ka itinerary ye hai
कि जो बीच ट्रैक है उसमें चलेंगे. नाउ वी आर वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स टू कम, दे आर ऑलमोस्ट हियर. हेलो, हाय, चले इसी हमरा कोनाटा ग्रामे. सो वी आर आउट, से हेलो. सो वी आर बेसिकली अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, शैक से कुछ ब्रेकफास्ट करके मे बी यहाँ पे, और विल गो टू ओम बीच एंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके विल गो. सो देयर सेइंग कि 6 घंटा कुछ लगता है. लेट्स सी. वी आर गोइंग टुवर्ड्स ओम बीच. दिस इज़ द रोड, यहाँ से हम जा रहे हैं जो कि मोटरेबल है, तो ओम बीच तक तो ऑटो ले सकते हो. कैसा लग रहा है कुसुम? बहुत बढ़िया, जस्ट द स्टार्ट. सिमरन, शी इज नॉट साउंडिंग दैट ग्रेट, बट या द रोड बेसिकली जस्ट थोड़ा सा जाके वी हैव टू गेट डाउन टू ओम बीच एंड फिर वहाँ से एक्चुअल हाइकिंग. So this is the entrance of the Om Beach. Fuck, just look at this. यहाँ पे एक और भी है जो आपको दिख रहा है, पूरा ओम बीच है. ये ओम बीच है क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसे जो शेप है बीच का, इट्स इन द शेप ऑफ एन ओम, इधर से ऐसे करके. तो हम लोग का ट्रेकिंग स्टार्ट हो चुका है. अभी लिटरली बीच साइड वॉकिंग कर रहे हैं हम लोग, और करते करते ये दोनों औरतें अपना जूतों भिगो दिए. कैसा लग रहा है नया जूतों भिगो के? सूख भी गया है, बहुत ज्यादा गर्मी है. तो यहाँ आदमी सूख जा रहा है जूता. तो बेसिकली अपना वहां से शुरू होने वाला है, ये पहाड़ बहाड़ जो है इसके पीछे जाना है. वहां पे जो रोड दिख रही है क्लिफ के साइड से, so that is the way, that is the trail. नीचे गिरे तो पता नहीं, बह जाएंगे. बहुत ही डेंजरस काम यहाँ पे होते हुए. अभी हमारा रेस्टिंग टाइम है आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ ट्रेकिंग. And rock climbing. Very dangerous rock climbing. अगर एक बार स्लिप होता तो पता नहीं कहाँ जाते. सब यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रैकर्स हैं, एक्सेप्ट हर. आओ. We have started our trek. Our next destination is Half Moon Beach. So I'm expecting water. देखते हो बच्चे उधर ओपन स्काई देखते हो क्या? सो हम लोग अभी कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ से 3 रास्ते जा रहा है और वी डोंट नो व्हिच वन टू टेक. अगर नहीं खो जाएंगे तो ये वीडियो पोस्ट करूँगा. वहाँ पे गलत रास्ता ले लिया था, वो क्लिफ में गया एंड दैट वाज इट, इट वाज अ डेड एंड. और वहाँ से गिरते तो सच में डेड हो जाते. एंड ये वाला रास्ता जो है फिर से हमने हम घूम के रास्ते पे मार्किंग कर लिया था हमने, तो अब जब वापस आए तो समझ आ गया कि यहीं से आए थे.
and this is the beach trail now. Finally made it to the Half Moon Beach and वहाँ से आए हम लोग. ये बीच बेसिकली ट्रैकिंग या बोटिंग से आ सकते हो, रास्ता नहीं है. तो ये सब बोट से जो लोग आए हैं उनको ट्रैकिंग नहीं करना. इतना सा ही बीच है बस. इतना सा ही बीच है. एंड मैं बीच में थोड़ा व्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि अगर करता तो मैं भी बह जाता. हाउ यू फीलिंग? टायर्ड बट एक्साइटेड. What is your feedback on Half Moon तक का ट्रैक? Nice, pretty nice. Lost a few path, found few more, but it's all. Let's go. Now we are going heading to the Paradise Beach. अभी रेस्ट कर रहे हैं. वी स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेक एंड हमने जस्ट रियलाइज किया कि वी जस्ट क्रॉस द हेल क्लिफ, समथिंग कॉल्ड द हेल क्लिफ सीरीज ऑफ रॉक, एंड दैट वाज हेल फॉर श्योर. क्या कहना है जयश्री? वन स्लिप एंड वी कुड हैव गॉन स्ट्रेट टू हेल. यप, दैट्स द डिस्क्रिप्शन. तो अभी हम जा रहे हैं पैराडाइज. रास्ते में ही ऑलमोस्ट पहुँच गए. जाकर दिखाता हूँ. Look at the size of this beach. This is the health beach. Finally, we reached Paradise Beach. ये आपको अच्छे से भी दिखाता हूँ. That is the beach. सो वी आर डन, ऑलमोस्ट डन. थोड़ा सा बाकी है. ओम बीच जा रहे हैं. वहाँ पे लंच एंड समथिंग खाएंगे. सही था, पर बाकी से सुनते कैसा लगा उनका रोल. टू टायरिंग बट अच्छा था. टेक फोर. बहुत मज़ा आया. फर्स्ट ट्रैक था मेरा. कभी कभी एकदम पीछे से डिटूर लेना पड़ा हम लोगों को. कभी कभी एकदम बीच के ऊपर से रॉकी पैचेस. बहुत मज़ा आया. हेलो रिव्यू. दिस वाज मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. जो सोच के आए थे, जिसको लेके इतना एक्साइटेड थे, टर्न आउट इवन बेटर. एंड दिस व्यू इज वर्थ एवरीथिंग. वो जो बीच दिख रही है आपको, दैट इज द कुमटा बीच. इट इज ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर लॉन्ग. क्रेजी. तो डे 3 शुरू हो गया है. एंड कल मैं ज़्यादा कर नहीं पाया वीडियोज एंड ऑल आफ्टर द ट्रैक. सो बेसिकली वी केम बैक एंड हैड डिनर एंड ऑल. हैड समथिंग टू ईट. और हम लोग पानी में नहाए भी बोथ पैराडाइज पे एंड ओम बीच पे आके. नाउ वी आर एट द मेन बीच. ये है गोकर्णा का मेन बीच. एंड सुबह आ गए चेक इन करने के लिए. सो वी हैव चेक्ड इन टू ट्रिपर. वी आर गोना स्टे हियर फॉर 2 डेज. हमने टेंट्स ले रखी है. एंड आज का आइटिनरी ये है कि वील गो टू सिद्धयाना केव्स एंड देन विभूति फॉल्स एंड ऑल्सो द मिर्जन फोर्ट. सो लेट्स सी कैसा होता है.